गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? सारे बच्चे अपनी रैम्स की बुक निकालेंगे और उसको ओपन करेंगे और आज हम सीखेंगे हिंदी रैम्स। ठीक है, सारे बच्चे अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए और ये वाली आपकी है कविता जाग गया। ठीक है, आज हम लोग इसको सीखेंगे। तो सारे बच्चे जो हैं इस कविता को गाएंगे, जाग गया। देखिए बच्चों, सुबह जब हम मॉर्निंग में सो रहे होते हैं तब आपके आसपास मुर्गे की आवाज़ आती है। मुर्गा जो है ना, वो सुबह ही सुबह जो है जाग जाता है और आवाज़ लगाना शुरू कर देता है। किस किस बच्चे ने मुर्गे की आवाज़ सुनी है, किस किस बच्चे को आती है, बताओ। तो इसी तरीके से जब भाई ये बच्चा भी सो रहा था, फिर इसको मुर्गे की आवाज़ आई कि भाई मुर्गा तो बोल रहा है। फिर इसने एक कविता सुनाई और वो कविता क्या है वो हम सब बच्चे भी गाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुर्गा कब से बोल रहा है, लो अब मैं भी जाग गया। बड़ा अंधेरा था कमरे में पर धीरे से भाग गया। मुझको अभी नहाना है तब फिर पढ़ने जाना है। बच्चों, इसी कविता पे मैंने आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाई है। ठीक है, आप लोग उसको सुनिएगा और अच्छे से इस कविता को लर्न करिएगा। ओके, चलिए देखिए फिर वो वीडियो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, आज हम कविता गाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज की कविता है जाग गया। मुर्गा कब से बोल रहा है, लो अब मैं भी जाग गया। बड़ा अंधेरा था कमरे में पर धीरे से भाग गया। मुझको अभी नहाना है तब फिर पढ़ने जाना है। बच्चों, अब आप लोग सुनाओ कविता। मुर्गा कब से बोल रहा है, लो अब मैं भी जाग गया। बड़ा अंधेरा था कमरे में पर धीरे से भाग गया। मुझको अभी नहाना है तब फिर पढ़ने जाना है। निकी, मुर्गा आप भी सुनाओ कब से कविता। बोल रहा है, लो अब मैं भी जाग गया। बड़ा अंधेरा था कमरे में पर धीरे से भाग गया। मुझको अभी नहाना है तब फिर पढ़ने जाना है। गुड ओके बच्चों, मैम। बहुत अच्छे बच्चों। अब आप लोगों को ये कविता अच्छे से याद करनी है, ठीक है? और फिर मैम को सारे बच्चे अच्छे से पोयम को सुनाएंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक और सुंदर सी कविता लेकर आऊंगी। बच्चों, तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।